देख रहे हैं ईएन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 44 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 41 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 17.49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय धामी, 1.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुरी क्योंथल के अतिरिक्त भवन, 2.95 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू और 1.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उगली लोगों को समर्पित किए गए हैं। आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 4 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, तो 4 योजनाओं से ज्यादा 5 योजनाओं का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसका बजट प्रावधान, जिसकी काम की शुरुआत अपनी सरकार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उनके चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर रोष जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि वे विकास के मामलों में विशेषकर कांग्रेस विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में करीबन 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्य, जिसमें 16 मील का डिग्री कॉलेज धामी का है, मिनी सेक्रेटेरिएट है, सुन्नी का बस स्टैंड है और कई निबार्ड के माध्यम से फंडेड विधायक प्राथमिकताओं की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हिमाचल पंजाब सीमा पर लगे अल्ट्राटेक प्राइवेट सीमेंट कंपनी में काम न मिलने को लेकर पंजाब के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा दिया जा रहा धरना 11वें दिन भी जारी रहा। धरने को लेकर वीरवार को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा भी धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचकर पंजाब के ट्रक ऑपरेटरों को भी काम देने की वकालत की। हिमाचल पंजाब सीमा पर लगे अल्ट्राटेक प्राइवेट सीमेंट कंपनी के काम न मिलने को लेकर पंजाब के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा दिया जा रहा धरना आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस 11वें दिन के लगातार धरने को लेकर वीरवार को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष के पी राणा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर पंजाब के ट्रक ऑपरेटरों की भी काम देने की वकालत की। उनका कहना था कि चूंकि ये सीमेंट प्लांट आधा पंजाब सीमा में पड़ता है, इसलिए पंजाब ट्रक ऑपरेटरों को भी कंपनी प्रबंधन द्वारा ढुलाई कार्य दिया जाना चाहिए। इस धरने में पंजाब के सैकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने भाग लिया। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष पी राणा ने सभी ट्रक ऑपरेटरों को विश्वास दिलाया कि उन्हें भी इस कंपनी में काम मिलेगा। लगातार पंजाब के ट्रकों नाल ये फैक्ट्री वितकरा कर रही है कि साढ़े ट्रक ऑपरेटर जड़े है इन्हों काम नहीं दे रहे, इस करके साढ़े जो ट्रक ऑपरेटर है ये हज़ारों की तादाद धरने पर बैठे है कि पंजाब के लोगों भी काम मिलना चाहिए। स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ अंशदान के भुगतान की योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने से प्रदेश में उद्योगों में कार्य कर रहे 99,000 से अधिक कामगारों को लाभ मिलेगा। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ अंशदान के भुगतान की योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने से प्रदेश में उद्योगों में कार्यरत 99,000 से अधिक कामगारों को लाभ मिलेगा। हिमाचल के उद्योग इससे लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत जो एमएसएमई उद्यमी प्रभावित हुए हैं, उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत राहत देने के लिए कोलेक्ट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण प्रदान करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा 3 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है। अब तक हिमाचल प्रदेश में कार्यरत बैंकों की ओर से एमएसएमई उद्यमियों को लगभग 1250 करोड़ रुपए का ऋण आर्थिक पैकेज के अंतर्गत वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में लगभग 2000 करोड़ रुपए तक का ऋण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में उद्यमियों को वितरित किया जाएगा। दबाव का सामना करने के लिए 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति उसको लाभ मिले,
गांव में रहने वाला वो व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, आदरणीय मोदी जी ने उसको ये बताया है कि आज की इस दुखी घड़ी के अंदर भी जो मेरी सरकार जो आप लोगों के साथ खड़ी है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। नदौन थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी थानों की रैंकिंग में देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी थानों की रैंकिंग में नदौन थाना को देश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। सूचना मिलते ही क्षेत्र भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और थाना में तैनात पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी प्रवीण राणा को बधाइयों का तांता लगा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। पता चला है कि गत दिनों पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैंकिंग को जारी किया था। इसके उपरांत वीरवार को इस संबंध में आधिकारिक सूचना दी गई है। अब गृह मंत्रालय की ओर से नदौन थाना को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर HRTC उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने थाना में तैनात समस्त पुलिसकर्मियों अधिकारियों सहित SP हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर और उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये पुलिसकर्मियों की मेहनत और लगन का नतीजा है। अग्निहोत्री ने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उनके संकल्प को पूरा करने में ये अहम उपलब्धि है, जिसका श्रेय पुलिस विभाग को जाता है। नदौन के विधायक सुखविंदर सुक्खू ने भी नदौन थाना के समस्त कर्मियों और अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि SP हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर और थाना प्रभारी प्रवीण राणा बेहतर कार्य कर रहे हैं और पुलिस ने नदौन क्षेत्र में नशे के आपराधिक घटनाओं पर काफी नकेल लगाई है। ऐसा है कि अपने गृह मंत्रालय की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, यानी कि थाना नदौन को श्रेष्ठ थानों में से एक थाना चुना गया है, जिसके साथ साथ प्रदेश भर में इसको श्रेष्ठ थाना माना गया है। ये थाना माना गया जिसके लिए हमारे महानिदेशक इन HP DGP साहब व पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर बधाई के पात्र हैं, तथा इसके साथ साथ समस्त कर्मचारी थाना नदौन व समस्त जनता नदौन जो सहयोग दिया है उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। नदौन से परविंदर कटोच की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आगामी 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के कुछ भागों में भारी वर्षा की चेतावनी और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शिमला मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में 11 जुलाई को भारी बारिश और गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने से राजधानी समेत राज्य के 5 जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के कुछ भागों में भारी वर्षा की चेतावनी और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शिमला मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में 11 जुलाई को भारी बारिश और गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। 15 जुलाई तक प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय होगा। अभी आने वाले जो दिन है इसमें बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। अगले 4 दिन तक बारिश होने की उम्मीद है और हैवी बारिश भी हो सकती है। जो वार्निंग है वो 4 दिन तक के लिए दी गई है। आज भी कुछ जगह पे हैवी बारिश हो सकती है और उसके बाद कल और परसों को हैवी के साथ वेरी हैवी बारिश होने की भी उम्मीद है। लैंडस्लाइड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट की जानकारी हासिल करने की सलाह दी है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को इस चेतावनी को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। बैजनाथ की मशहूर गायिका मीरा चंदेल का गाना तेरे लोभाना YouTube पर रिलीज हो गया है।
मीरा चंदेल ने बताया कि ये एक कुलवी बोली में गाया गया गीत है जो कि सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बैजनाथ की मशहूर गायिका मीरा चंदेल का गाना तेरा लोभाना YouTube पर रिलीज हो चुका है। मीरा चंदेल ने बताया कि ये एक कुलवी बोली में गाया गया गीत है जो कि सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। गाने मार्केट में दे चुकी हैं, जिसमें पल भर बही नैना, पत्ता पत्ता, भुट्टा भुट्टा और रंजा जोगिया बनाया जैसे खूबसूरत गानों ने लाखों दर्शकों के दिलों को जीता है। बता दें कि मीरा चंदेल महज चौथी कक्षा से ही अपनी गायकी में कदम रख चुकी हैं और स्कूल और कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई किताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना म्यूजिक टीचर बनकर संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का है। उन्होंने अपने सभी चाहने वाले और संगीत प्रेमियों से विनती की है कि जिस तरह उन्होंने उनके पहले गानों को अपने दिलों में जगह दी है और उनके गानों को सुपरहिट किया है, इस बार भी वे इस गाने को सुपरहिट बनाएं। बैजनाथ से विनोद चट्टा की रिपोर्ट। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बिंगा गांव में किसानों द्वारा पिछले कई वर्षों से बंदरों के आतंक के चलते अपने खेतों में अरबी, कचालू, अदरक और हल्दी उगाना शुरू कर दिया है। इन फसलों को उगाने से जहां लोगों की आर्थिकी में सुधार हुआ है, वहीं पर बंदरों के आतंक से भी किसानों को निजात मिल गई है। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बिंगा पंचायत के बिंगा गांव में किसानों का पारंपरिक फसलों से बंदरों की वजह से मोह भंग हो गया था और इस गांव के किसानों द्वारा पिछले कई वर्षों से और बंदरों के आतंक के चलते अपने खेतों में अरबी, कचालू, अदरक और हल्दी उगाना शुरू कर दिया है और आजकल इन फसलों की गुड़ाई का काम चला हुआ है। इन फसलों को उगाने से जहां लोगों की आर्थिकी में सुधार हुआ है, वहीं बंदरों के आतंक से भी किसानों को निजात मिली है। बता दें कि इस गांव की अरबी कचालू इतने प्रसिद्ध हैं कि मंडी जिला के ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के दूसरे जिलों के लोग भी बिंगा गांव की अरबी कचालू के लिए एडवांस में ही बुकिंग करवा देते हैं, क्योंकि इस गांव की अरबी कचालू क्षेत्र के अन्य गांव की अरबी से स्वादिष्ट होते हैं और यहां की अरबी में रेशा भी नहीं होता। अधिकतर यहां के अरबी को खरीदने वाले लोग इसका इस्तेमाल शादी या अन्य आयोजनों में मदरा दम बनाने के लिए करते हैं। यहां के किसानों का कहना है कि अगर उनकी इस फसल अरबी, कचालू, हल्दी, अदरक को बढ़ावा दिया जाए तो विभाग और सरकार कोई कदम उठाए तो यहाँ की फसलें लोगों की आर्थिकी को और मजबूत करेंगी। किसानों द्वारा अधिकतर जैविक खेती की जाती है। गांव के 90% किसानों द्वारा केंचुआ फीड बनाए हुए हैं। लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसानों में ओम प्रकाश, मेहर सिंह, बालम राम, नत्था सिंह, मोहन लाल, सरला देवी, कांता देवी आदि ने सरकार से यहाँ पर इन फसलों से आधारित लघु उद्योग लगाने की मांग की है। सरकाघाट से विजय कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ वक्त होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है entvhimachal, आपका प्रदेश, आपकी बात।